And my darling Poonam Dubey. Yes. And my darling director Mr. Rajkumar Pandey. मुझे क्या करना है? आपको ये करना है कि आप यहाँ से जाइए और आप जिस स्टार से, जिस हीरोइन से, जिस निर्माता, जिस निर्देशक से जो सवाल आपके मन में हो पूछिए, आज कोई बुरा नहीं मानेगा और जवाब सबको देना होगा, देना पड़ेगा। और साथ देने जा रहे हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, नो डाउट। एक मिनट, प्रकाश जी को जैसे ही हमने नाम लिया एकदम ऐसे हो गए, माने कौनो अगर राजकुमार जी से अगर कुछ उल्टा पूछ दिया तो अगली फिल्म से कट। अभय भैया से पूछ दिया तो अगली फिल्म से कट। भैया देखिए, ये एक मजाक है जो आप लोगों के साथ। खेसारी बाबू हमारे सामने बैठे हैं, खेसारी लाल यादव, उनसे पूछिए तो सोच समझ के पूछिए, कहा से कि बहुत फिल्म करता ना, 12 महीना में 12 गो फिल्म का अकेला रिकॉर्ड बा उनके नाम है, 12 गो फिल्म से हाथ धो देबो। अच्छा, ये एक साजिश है? साजिश नहीं है। आप लोग कुछ नहीं पूछना चाहते, हमको हमारा इस्तेमाल। आप लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के सब सवाल करेंगे। खेसारी भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? ये रवि जी दिख नहीं रहे, रवि जी एक मिनट, जब सवाल करेंगे तब ना हम कहेंगे कि ऐसा ही कहा दें। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब ही है कि आपको लगता है कि पहला सवाल आपे से होगा तो माइक पहले आपे ले ले हैं। हम ये चाह रहे हैं जो पहला सवाल हमारे से हो। जाओ, चलिए, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जाओ। ओके, हर हर महादेव। पगले ताली बजाओ। मंच पे बुला लिया, माइक ले दिया और माइक भी छीन लिया। मैं खड़ा हो जाऊं ना? यस, एक्चुअली इतनी मोहब्बत है ना मुझे आपसे, यस, कि सवाल निकल नहीं पा रहा है, निकाली फिर भी निकालता हूँ। नंबर गिनती करूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 25, 40, जितनी फिल्में उतना चैन। जी नहीं, ये पब्लिक ने आशीर्वाद दिया है, वही सोना है। तो इतने चैन का राज क्या है? चैन का राज है कि मैं काम करता हूँ और स्टेज पे मुझे गिफ्ट मिलता है, खरीदा हुआ नहीं। इतने चैन पहन के आप चैन से कैसे जीते हैं? चैन से, क्योंकि मैं पब्लिक का दिल में रहता हूँ, इसीलिए चैन से जीता हूँ। पब्लिक के दिल में रह के चैन से जी लेते हैं? नहीं तो छीनने वाले यही है। ये चैन पहनने की जरूरत क्या है? जब पब्लिक के दिल का चैन आपके दिल को सुकून देता है तो फिर ये चैन क्यों? इसलिए क्योंकि इनको दिखना चाहिए ना कि मेरा स्टार अपने आशीर्वाद लेकर यहाँ तक पहुँचा है। मतलब जो स्टार चैन नहीं पहनता वो स्टार नहीं है। जिस दिन भैंस पे चढ़ता था ना तो इनको समझ में नहीं थी, आज इन्होंने भैंस से डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ा दिया। अच्छा, चलिए इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। थैंक यू, लव यू।